हेलो सर, मेरा नाम रितिका है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, मेरा ये सवाल है कि मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम कैसे ला सकती हूँ। सो रितिका, आपका क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, फ्रीडम कैसे ला सकते हैं। और रितिका, मुझे बताओ कि अभी क्या प्रोफेशन क्या आपका? अभी मैं जॉब करती हूँ और मैं इनटू मार्केटिंग हूँ। कहाँ पर आपका ऑफिस? ओखला में। ओखला में आपका, परफेक्ट है। कितने से कितने बजे तक जॉब करते हैं? मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट होती है सर, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। 8 आवर्स की शिफ्ट ही हो गई, पर उसके लिए क्या 8 आवर्स ही लगते हैं? क्योंकि आना जाना भी है। कितनी देर लगती है ट्रैफिक में? 1 घंटा लग जाता है मुझे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। और ऑफिस से जब जाना है तो ऑफिस से तैयार होना भी पड़ता है। हाँ, तो उसमें भी 1.5 घंटा गया। जब ऑफिस से वापस आए तो वो भी अपना 1.5 घंटा 2 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है। सो कहने मतलब पूरा का पूरा टाइम आपका इसी में लग जाता है। सो फ्रीडम क्यों चाहते हो आप? इसलिए क्योंकि मेरा जो जो डेली रूटीन है बहुत ज़्यादा हेटेक है, तो कुछ मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो मुझे थोड़ा बहुत परफेक्ट है। चलो बैठो, मैं बात करता हूँ। बैठो। सो रितिका, मैं आपको फ्रीडम के बारे में बताना शुरू करता हूँ। हमारी ना लाइफ में 4 तरीके की फ्रीडम होती है। पहली फ्रीडम होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी की फ्रीडम। दूसरी होती है टाइम फ्रीडम, समझाऊंगा इसकी डिटेल समझाऊंगा। थर्ड होती है लोकेशन फ्रीडम, और फोर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम होती है। मैं पहले इन 3 को समझाता हूं, फिर मैं फोर्थ फ्रीडम पे आऊंगा। अगर आप समझ जाए ना इन फ्रीडम्स के मतलब, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ का जो गोल है वो क्या होना चाहिए। ये 4 फ्रीडम्स आपका गोल होना चाहिए। एक एक करके समझाना शुरू करता हूं। कुछ लोग होते हैं ना, गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा है इंजीनियर बनना है, कोई कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मैं कह रहा हूं वो ज्यादा अच्छे गोल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल नहीं है। मैं अभी आपको समझाना शुरू करता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल कौन से हैं। ये जो 3 गोल मैंने बताए हैं, जो चौथा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ये गोल आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। जैसे किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। मान लो एक डॉक्टर है, वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, हो गया सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हो गया, उस डॉक्टर का बहुत नाम आ गया, बहुत नाम हो गया। अब उसकी लाइफ से एक चीज छिन जाएगी, क्या उसकी लाइफ से छिन जाएगा? टाइम, टाइम फ्रीडम। एक डॉक्टर सक्सेसफुल हो गया ना, बहुत काम होगा उसके पास, अब उसके अपने लिए टाइम नहीं होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो समझ लो गई उसकी लाइफ, इतने क्लाइंट, इतना बिजनेस, और क्योंकि काम खुद ही करना होता है ऐसे प्रोफेशन में, लॉयर को खुद ही करना होता है, तो टाइम नहीं बचता है। तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई लॉयर्स मेरे सर्कल में हैं, फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। सक्सेसफुल हो गए बट उनके हाथ से उनका टाइम चला गया। जैसा आप बता रहे थे कि सुबह से शाम तक आप काम में बिजी हैं, तैयार हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं सड़क के ऊपर और फिर घर गए, तो टाइम फ्रीडम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज है जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, हमें लिमिटेड टाइम गिफ्ट किया है, 70, 80, 90, 100 साल का टाइम गिफ्ट किया है। उसके अंदर में मैं बोलूंगा सांसें हैं, टाइम मतलब सांसें हैं। सो वो टाइम अगर आप अपने ऊपर नहीं लगा सकते हो, अपने लिए स्पेंड नहीं कर सकते हो, जो आपका पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, मान लो आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, और टाइम आप अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे ऐसी सक्सेस का? सो टाइम फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इन 3ों का। मेरी बात समझ में आ रही है? सो कुछ ऐसा करना है आपको लाइफ के अंदर कि टाइम आ जाए आपके पास, जो आप अपनी लाइफ वहां स्पेंड कर सकें। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये गोल होना चाहिए आपका। मैं नहीं कह रहा हूं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, पर मैं बोलूं गोल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाए। ज्यादातर लोग तो स्लेव्स बने हुए ना, क्योंकि 50 तरीके के लोन हैं, 50 तरीके के मंथली एक्सपेंसेस हैं, बच्चे हैं, स्कूल हैं, उनकी फीस है, घर की किस्त है, उनका टाइम उनके हाथ से छिन जाता है। मंथली कमाया दिया, वो रेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, टाइम उनका नहीं है, दे हैव सोल्ड देयर टाइम पैसे के बदले में। समझ में आ रहा है? सो वो लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई है। सो टाइम फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया ना। सो एक हो गया टाइम फ्रीडम, दूसरा होता है लोकेशन फ्रीडम। कई लोग क्या होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर जॉब कर रहे हैं लोग, अब वो क्या है, सड़क पे 1 घंटा 2 घंटे जाने का ट्रैफिक में, वो लोकेशन आपको पसंद आएगी? अब जहाँ जा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, दुनिया भर का पॉल्यूशन है, दुनिया भर के टावर्स लगे हुए हैं जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं,
टावर्स लगे होते हैं मोबाइल तो आसपास, और इतना पब्लिक है, इतना पोल्यूशन है, तो वो लोकेशन फॉर एग्जांपल आपको अच्छी नहीं लग रही है। सो मैं कहूँगा आपके पास लोकेशन फ्रीडम की भी कमी है, फ्रीडम नंबर टू, समझ में आ रहा है, लोकेशन फ्रीडम। मान लो मैं एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब वो ट्रैफिक इतना है तो मेरे पास लोकेशन की फ्रीडम नहीं है ना, क्योंकि मैंने घर दिल्ली में बाय कर लिया मान लो, तो वो फ्रीडम मेरे से बिल्कुल ही चली जाती है। सो कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ भाई रेंट पे रहना, सो रेंट गिव्स यू अ फ्रीडम कि भाई यहाँ दिल्ली में समझ नहीं आ रहा, पैसा से जोड़ लिया है, बैंक में एफडी करा दिया है, चलो गोवा में चल के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। लोकेशन फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम से मेरा मतलब ऐसा है कि मान लो आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं, आप पहाड़ों पे जाके घूम रहे हो और काम भी वहीं से कर रहे हो। आपको थाईलैंड अच्छे लगते हैं बीचेस, आप वहां जाके काम कर रहे हैं, आपके पास वो पैसा होना चाहिए ऑब्वियसली। अब मैं थर्ड उस पर आऊंगा, मनी फ्रीडम पे आऊंगा, बट ऐसी लोकेशन जो आपको अच्छी लगती है वहां से अगर आप काम करते हैं तो जो लिमिटेड टाइम आपको गॉड ने दिया वो अच्छा जाएगा ना भाई। एक सोचो, इमेजिन करो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, एक तो पूरी जिंदगी आपने वहां निकाल दी, सो आप लोकेशन के गुलाम हो गए ना। ऐसी लोकेशन पे जो आपको पसंद नहीं आ रही है, सड़क पे जाते जाते आपको पॉजिटिव थिंकिंग क्या कर लोगे, दुनिया भर का ट्रैफिक है, क्या करोगे, आपकी स्ट्रेस बिल्डअप हो गई है, टेंशन बिल्डअप हो गई है, और दो दो घंटे सड़क पे बैठे हुए हैं, बरसात हो गई तो बिल्कुल जाम लग गया, मुंबई में जाम लग जाता है, तो क्या लोकेशन, क्या ऐसी जगह लाइफ स्पेंड करना चाहोगे। सो फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम का मतलब है ऐसी जगह जहां आपको अच्छा लगता है। अब वो कितनी लोकेशन फ्रीडम आप अपने लिए कैप्चर कर पाएंगे अपनी लाइफ में, इट ऑल डिपेंड्स। मैं बोल रहा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहता हूं, काम से ब्रेक नहीं लेता हूं, काम में मुझे मजा आता है, मैं जो भी काम करता हूं मुझे मजा आता है, मैं अलग अलग लोकेशन पे जाके टाइम स्पेंड करता हूं। मान लो गोवा गया, बीचेस पे बैठ गया, लैपटॉप लेके अपना कुछ काम कर रहा हूँ, थाईलैंड गया, बीचेस पे काम कर रहा हूँ, इटली चला गया, वहाँ पे बीचेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे बीचेस पसंद है, मुझे नेचर पसंद है। सो मैं एक एक हफ्ते के लिए ब्रेक लेता हूँ और वहाँ जाके काम करता हूँ मैं, समझ में आ रहा है। सो अब मैं सबको ही नहीं बोल रहा हूँ कि सबके इतना पैसा होगा, पर लोकेशन फ्रीडम जरूरी नहीं कि कॉस्टली, नेचर में चले जाओ ना, अरे हिमाचल के उसमें जाओ ना, उत्तराखंड में जाओ ना, शिमला में जाओ ना, कोई बहुत सस्ती जगह भी मिलती है, हफ्ता हफ्ता 10 दिन लगाया और आप अपनी लोकेशन, अब आपको जैसी लोकेशन आपको पसंद है, समझ में आ रहा है। सो लोकेशन फ्रीडम का मतलब है ऐसी जगह जो आपको पसंद है, आप वहां पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वहां मस्ती कर रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, चाहे वहीं से काम कर रहे हैं। सो मान लो आपको चॉइस दी जाए कि भाई आप स्विट्जरलैंड से बैठ के काम करना चाहेंगे या दिल्ली के पोल्यूशन से, सो ज्यादातर लोग बोलेंगे स्विट्जरलैंड से, तो वो लोकेशन फ्रीडम हो गई ना। कई लोग हैं जो दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहते हैं और 50 करोड़ के घर में रहते हैं, अरे क्या करना है, दुनिया भर के रात को ट्रैफिक का धुआं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वो पोल्यूशन, पैसा है लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, उनके पास लोकेशन फ्रीडम नहीं है। तो सेकंड फ्रीडम समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट लग रही है। तो ये गोल होना चाहिए आपकी लाइफ का कि यार देखो कितना, जैसे करेंसी अर्न करते हैं ना, मंथली पैसे अर्न करते हो, तो अपने लिए कुछ करेंसी अर्न करो, लोकेशन नाम की करेंसी कितनी अर्न कर सकते हो और उसको यूज करो। टाइम नाम की करेंसी आपके पास होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो अपने पैशन के लिए फॉलो करो, तो वो टाइम फ्रीडम है, तो लोकेशन फ्रीडम है। दो फ्रीडम समझ में आ गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये दोनों फ्रीडम्स आना थोड़ा इजी हो जाती हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास कुछ ऐसी इनकम आ रही है, रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। दो तरीके की इनकम है, एक है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है आप काम करोगे तो पैसा आएगा, लॉयर काम करेगा तो पैसा आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। जैसे आपने बताया आप जॉब में हो, आप काम करोगे तो पैसा आएगा, दिस कॉल्ड एक्टिव इनकम। सो एक्टिव इनकम होगी तो कभी भी लोकेशन और टाइम फ्रीडम नहीं आएगी, नहीं समझे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू बी अ स्लेव ऑफ समबडी। बिजनेस में हो तो कस्टमर्स के साथ लगे रहना पड़ेगा, जॉब में हो तो बॉस के चक्कर में लगे रहना पड़ेगा, और मंथली चाहिए आपको। सो आपको धीरे 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 करके कुछ रॉयल्टी इनकम बिल्डअप करनी चाहिए, मान लो कुछ ऐसे एसेट्स बिल्डअप करने चाहिए जिससे कि पैसा आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। सो मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको वॉच कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना, मुझे समझ में आता है, और एकदम से उसको वीडियो को देखने के बाद ही शुरू कीजिएगा इन्वेस्टमेंट का प्लान। पर एसेट्स ऐसे होने चाहिए जैसे रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए आपके पास,
आपने कोई म्यूजिक सीडी बनाई है उससे कुछ रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाए। किशोर कुमार ने गाने आज से 50 साल पहले गाए थे, आज भी उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली पैसा कमा रही है। मोनी कपूर जी ने मूवीज बनाई थी, कब बनाई थी मिस्टर इंडिया, आज भी उसकी रॉयल्टी ले रहे हैं। सो रॉयल्टी इनकम मतलब अब आपको आपके असेट से, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, बेसिक नीड्स हैं और जो आपकी वॉन्ट्स हैं वो पूरी हो जाएं। मान लो आपको 2 लाख रुपये महीना चाहिए, 1 लाख रुपये महीना चाहिए, सो आपकी पैसिव इनकम से, आपसे असेट से इतना पैसा आ रहा है कि यू आर फ्री। जैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, दो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। कौन कौन सी? लोकेशन फ्रीडम। मान लो आज आपके पास 2 लाख रुपये महीना आना शुरू हो जाए तो कहाँ स्पेंड करना चाहोगे अपनी लाइफ, दिल्ली में या स्विट्जरलैंड में? मे बी जो जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हो, दिल्ली में क्यों रहोगे? नहीं समझ में आ रहा। सो लोकेशन फ्रीडम आती है और टाइम फ्रीडम, मतलब आपका मन कर रहा है बीचेस पे जाने का, मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, मन कर रहा है फुटबॉल खेलने का, मन कर रहा है म्यूजिक का, मन कर रहा है डांस का, जो आप करना चाहते हो। योर टाइम इज योर्स, अभी आपका टाइम आपका नहीं है, यू हैव सोल्ड योर टाइम टू कंपनीज। सो ये 3 फ्रीडम समझ में आ गई। सो ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि अपनी लाइफ में मुझे मनी फ्रीडम लानी है। अभी नहीं आएगी, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद तो आएगी, वो प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं अभी आपके पास लोकेशन फ्रीडम इतनी है, थोड़ा बढ़ा लो, टाइम फ्रीडम इतनी है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा लो और अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। सो ये गोल होना चाहिए आपकी लाइफ का। मेरे पास समझ में आ रही है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहूँगा। चौथी फ्रीडम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड। अब ये किसी समझ में नहीं आएगी, फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड मतलब फ्रीडम फ्रॉम योर थॉट्स। अभी ना हम जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वी आर अ पेन जनरेटिंग मशीन। पेन जनरेटिंग मशीन का मतलब समझ में आता है? पेन मतलब हमारे ना दिमाग में 24 घंटे थॉट्स चल रहे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, अचानक से कुछ गिरा, गिरने की आवाज़ आई, मैं कमरे में अकेला था, तो क्या थॉट आ सकता है कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं है? तो बिल्ली होगी तो कैसा इमोशन आएगा? गुस्सा। गुस्सा जनरेट हो गया बॉडी में ऑटोमेटिक। आपके मन में थॉट आया कि कहीं कोई भूत तो नहीं है, तो क्या थॉट आया, फीलिंग क्या आएगी? तो डर आ जाएगा। गुस्सा भी आपके लिए अनहेल्दी है, फियर भी आपके लिए अनहेल्दी है। पूरा दिन 24 घंटे आपके थॉट्स चलते हैं, साथ में उससे इमोशंस जनरेट होते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर। आपका माइंड कभी शांत नहीं होता है। माइंड शांत होने का मतलब है एकदम स्टेट ऑफ नो माइंड। स्टेट ऑफ नो माइंड का मतलब है यू आर वेरी रिलैक्स्ड, यू आर वेरी पीसफुल। ये है अल्टीमेट फ्रीडम, इसको बोलते हैं मोक्षा, कुछ बोलते हैं इसको इनलाइटमेंट। समझ में आ रहे हो? ये अल्टीमेट फ्रीडम है। तो ये 4 फ्रीडम अगर आप प्लान कर दो, ये होना चाहिए आपका गोल। ये 3 फ्रीडम तो आपके मनी से रिलेटेड है, ये चौथे फ्रीडम फ्रीडम है, ये आपसे शुरू हो सकती है, आज से शुरू हो सकती है। आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी। ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका कि यार मेडिटेशंस करके मुझे अपने माइंड से फ्री होना है। माइंड इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, बट आपके कंट्रोल में नहीं है ना। You are a slave of your mind. 24 घंटे विचार चल रहे हैं। What I am saying is be a master of your mind. Legs हैं, 24 घंटे चल रही हैं। 24 घंटे चलेगी तो थकावट हो जाएगी, पागलपन बोलेंगे। Mind भी 24 घंटे चल रहा है, पर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये एक बीमारी है जो किसी को समझ में नहीं आती। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड मतलब विचारों को रोकने की एक कला है, है ना। सो वो मेडिटेशन से आता है। मैं आपको समझ में आ रहा है? जैसे अब आप मान लो, मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ माइंड से फ्रीडम के बारे में, आपको हल्का सा एक टेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, लेट अस सी क्या निकल के आता है। आप ही आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, आ जाओ। फ्रीडम फ्रॉम माइंड के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ आंखें बंद करके सुनना शुरू करो, लेट अस सी क्या सुनाई दे रहा है आपको। क्लोज योर आइज, ओके नाउ ओपन योर आइज। क्या सुनाई दे रहा था? एसी की आवाज सुनाई दे रही थी। एसी की आवाज इससे पहले सुनाई दे रही थी? पहले नहीं सुनाई दे रही थी, आधे घंटे से आप बैठो मेरे साथ। जैसे ही आपका ध्यान कहाँ पे गया?
ध्यान कहाँ पे गया? सुनने पे गया, तो आपको सुनना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसी रूम में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको देखना शुरू करो ज़रा, सिर्फ नज़र आ रही थे, किसी को थॉट नहीं लाना है, सिर्फ देखना है गौर से, गौर से क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है और विदाउट गिविंग एनी जजमेंट्स। जो ये काम कर रही है लड़की, ये आप भी कर सकते हैं, अपने रूम में जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको देखना शुरू कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, बड़ा आराम से रिलैक्स्ड होके देखते रहो क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। नजर आया क्या क्या नजर आया? एसी, चेयर, मिरर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पहले, आप यहाँ पे बैठी बड़ी देर से हो, इससे पहले 2-3 बार आए हो यहाँ पे, पर ये चीजें आपको पहले नजर आई थी? पहले नजर नहीं आई थी। जैसे ध्यान किस पे गया? देखने पर, तो चीजें दिखना शुरू हो गई। मैं बात समझना, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आंखें बंद कर लो और आपकी स्किन के साथ जो जो चीज़ें टच हो रही हैं, जो जो चीज़ें टच हो रही हैं आपकी स्किन के साथ, उनको फील करना शुरू करो। आपके पैरों के तलवे पे क्या फील हो रहा है आपको? शूज़ पहने हुए हैं, चप्पलें पहनी हुई हैं, उनको फील करो। पैरों के आसपास जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उनको फील करना शुरू करो। थोड़ा ऊपर की तरफ आओगे, कपड़े जो आपने पहने हुए हैं उनको फील करना शुरू करो। आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है उसको फील करके देखो जरा। ओके, नाउ ओपन योर आईज। क्या क्या फील हो रहा था? सेलफोन पकड़ा है, पेन पकड़ा है, नहीं पर आप उसको फील कर पा रहे थे? जैसे ही मैंने बोला फील करो तो आपका ध्यान कहाँ चला गया? फीलिंग पर, जूतों पे गया, कपड़ों पे गया, फील कर पा रहे थे आप? हाँ जी। तो ये रियली फीलिंग कभी पहले कभी ध्यान दिया? कभी ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ आ रही है? अब जो है मुंह पे जो टेस्ट है उसको जरा फील करो, जरा मुंह में क्या चल रहा है आपके, कैन यू फील योर माउथ में क्या है, है ना? समझो, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी जब आप सुन रहे थे तो ध्यान कहाँ पे था? सुनने पे था। जब देख रहे थे तो कहाँ था? देखने पे था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम कानों से नहीं सुनते हैं, हमारा ध्यान, हमारी कॉन्शियसनेस जब कानों पे जाती है तो सुनना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? हमारी जब कॉन्शियसनेस आंखों पर आती है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है जो चीज़ें पहले नहीं दिख रही थी। जिस समय देख रहे थे उस समय फिर सुनना, शायद सुन रहा था नहीं, जब आपने टच को महसूस करना शुरू किया तो उस समय सुनाई दे रहा था नहीं। तो जब ध्यान जहाँ पर जाता है हमारा वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। बीच में विचार भी आ रहे थे, अब आप समझना विचार अलग हैं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, विचार तो 24 घंटे चल रहे हैं, विचार थोड़ा शांत हुए हैं क्या? तो विचार अलग है, आपका ध्यान अलग है, आपकी कॉन्शियसनेस अलग है, ध्यान अलग है, विचार अलग है। ये कॉन्शियसनेस है, जब आप ध्यान से देख रहे थे तो दिख रहा था, विचारों की परत नीचे गिर गई, जब सुन रहे थे तो विचारों की परत नीचे गिर गई और सुनना शुरू हो गया। टच के ऊपर ध्यान गया तो टच के ऊपर कॉन्शियसनेस गई और ध्यान, कॉन्शियसनेस ध्यान, समझ में आ गया, विचार शांत हो गए। सो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो कॉन्शियस हो जाते हो ना आप, ये कॉन्शियसनेस इज हु यू आर, ये हो आप। ये जो विचार 24 घंटे चल रहे हैं ना, ये आप वो नहीं हो, ये तो एक स्क्रीन है 24 घंटे चल रही है, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है 24 घंटे चलती है। इन विचारों को जैसे आप शांत करते हो यू बिकम मोर कॉन्शियस। रात को आप बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं, कुछ भी नहीं पता होता, डीप, उसको बोलते हैं स्लीप, जो है ना वो ड्रीमलेस स्लीप होती है, कुछ भी नहीं पता। एक होती है स्लीप जिसमें आपके ड्रीम चलते हैं रात को 24, मतलब समझ रहे वो चल रहे, सपने चल रहे होते हैं रात को। जैसे ही आप सो गए उठते हो तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होते हो, पर आपके विचार तब भी चल रहे होते हैं।
एक है थोड़ा और जागना, जैसे अभी थोड़ा सा आपको ट्रायल करवाया, थोड़ा और जाग गए हो आप, थोड़ा और कॉन्शियस हो गए हो, विचारों की परत शांत हो गई है. दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग, दिस इज कॉल्ड बीइंग मोर कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस. ये जितना आप अवेयर हो गए, ये काइंड ऑफ मेडिटेशन थी जो मैं करवा रहा था आपको, सिर्फ सैंपल. सो ये आपके विचारों से शांत हुआ तो प्रेजेंट मोमेंट में ही आप फ्री हो जाते हो. वो बाकी की फ्रीडम तो आने वाले टाइम में आएंगी जब आएंगी, जो कि हुआ नहीं चाहिए, बट ये वाली फ्रीडम तो आप राइट नाउ में भी पा सकते हो. दिस इज कॉल्ड लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट. विचार शांत हैं, मान लो आप देख रहे थे तो आप देख ही रहे थे, बॉडी शांत हो गई, प्रेजेंट मोमेंट में हो आप. कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. अभी आप बातें करते करते कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है. राइट फील हो रहा है. फ्रीडम का हल्का सा आपको टेस्ट दिया है मैंने आपको. समझ में आ गए? बैठो. जैसे कि आपने देखा, समझ में आ रहा है मेरी बात? शांत और शांत, विचार शांत हुए तो आप फ्री हो गए. दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट फ्रीडम. बाकी के तीन फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट हैं. वो फ्यूचर में जब आप पैसा कमाओगे, उस तरीके से जाओगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में. ये आउटर वर्ल्ड की फ्रीडम्स हैं. ये जो फ्रीडम मैंने आपको बताई है, ये इनर वर्ल्ड की फ्रीडम है एंड फ्री में अवेलेबल है, राइट नाउ में पॉसिबल है. और इसी फ्रीडम की तरफ मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूं, सो दैट कि आप लाइट फील करना शुरू कर दें राइट नाउ में. मेरी बात समझ में आ गई? सो आई होप आपको मेरी मैसेज समझ में आ गया. व्हाट इज फ्रीडम, है ना? ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है. आई होप ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा था तो आप भी उसे फॉलो कर रहे थे. अगर आपने उसे फॉलो किया होगा तो मोमेंटरी आपको फ्रीडम का एहसास हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो जो एक्टिविटी मैं कर रहा था इस बच्चे के साथ, वही एक्टिविटी अब वीडियो को रोक कर 3 से 4 मिनट सिर्फ देखना है, फिर ध्यान सुनने पे ले जाना है, उसके बाद फीलिंग्स मतलब टच जहाँ जहाँ हो रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को पहले पैरों पे ले गए, फिर उंगलियों पे ले आए, फिर घुटनों पे ले आए. जैसे जैसे अपने ध्यान से अपनी पूरी बॉडी को आप अंदर देखेंगे, गर्दन पे आ गए, चेहरे पे आ गए, आंखों पे आ गए, बालों पे आ गए, जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ योर बॉडी. एक एक बॉडी पार्ट को आप देख रहे हैं, और 2-3 राउंड पैरों से शुरू करके धीरे धीरे सर पर, फिर पैरों से शुरू करके धीरे धीरे सर पर, फिर पैरों, 2-3 बार 15-20 मिनट लगेंगे. इस मेडिटेशन को आप करेंगे, फ्रीडम का एक्सपीरियंस आपको राइट नाउ में हो जाएगा. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको फ्रीडम के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. चाहो तो फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दो, लेट देम ऑल्सो फील फ्रीडम क्या होती है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, और उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें.